जीएसटी की आवाज अभिमंडी से दिल्ली तक पहुंची। आपको जानकारी दूं कि जीएसटी पूरे देश में लगा, लेकिन जिस तरीके से यान पर यानी कपड़े पर जो जीएसटी लगाई गई है उसको लेकर के व्यापारी सकते में है। व्यापारी व्यापार करने के लिए सोच रहे हैं कि व्यापार करूं या ना करूं, इसको लेकर के जीएसटी मामले को लेकर के भिवंडी से एक डेलीगेशन दिल्ली गया। दिल्ली में जब सत्ता पक्ष से किसी से बात नहीं हो पाई तो अपक्ष के लीडरों से उन्होंने चर्चा की। भिवंडी से जो डेलीगेशन गया था, मैं आपको जानकारी दूं, हमारे पास जो लिस्ट है वो लिस्ट है हबीब अंसारी जी, लतीफ मामा, इश्तियाक भाई, हनीफ बाबा, सलीम अंसारी, अयूब खान, जावेद भाई, नन्हे भाई, परवेज मोमिन, मोहम्मद जमा व मौजम अंसारी जी वहां पर उपस्थित थे। इन लोगों ने विपक्ष के लीडरों से चर्चा की। विपक्ष के लीडर जो लोगों से चर्चा की उनके नाम हैं, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं, और प्रमोद तिवारी जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, अहमद पटेल जो राज्यसभा सदस्य हैं, इनसे चर्चा की। और खास बात रही है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी से भी हबीब भाई की बात हुई। हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बात हुई, क्या रिस्पॉन्स मिला, और जीएसटी मामले को लेकर के जो कपड़े पर इनका मानना है कि जीएसटी बहुत ही सुंदर कर है, एक देश एक कर हमें पसंद है, पर जिस तरीके से कपड़े पर जीएसटी थोपी गई है, जिस तरीके से जलेबी की तरह हमसे वसूला जा रहा है, जिस तरीके लाया जा रहा है, उसको लेकर के हम सभी व्यापारी काफी नाराज हैं। यान पर जिस तरीके से जीएसटी लगाई गई है उसको कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं हबीब भाई से। हबीब भाई, जानकारी देंगे कि जो डेलीगेशन गया था दिल्ली में जाकर के सत्ता पक्ष से आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की? सत्ता पक्ष से तो बात हुई, हमने लेटर भी दिया, फोन भी किया, लेकिन उनसे कोई रिस्पांस मिला नहीं। खासतौर से अरुण जेटली साहब से ना उनका कोई फोन आया, उनको हम लोगों ने बताया कि भाई हम भिवंडी के कुछ व्यापारी आपसे मिलना चाहते हैं, जो भिवंडी व्यापारी संगठना के नाम से हमारे कुछ बुनकर समाज के लोग आए हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा ये उनको ये था कि राष्ट्रपति का भी उस दिन प्रोग्राम था, तो उनको टाइम नहीं मिल पाया राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। हाँ, नहीं मिल पाया तो स्मृति ईरानी जी से भी मुलाकात नहीं हो पाई। उनके पी ने भी बताया कि ऐसा ऐसा है, थोड़ा मसरूफ है, आप रुकिए बाद में देखेंगे, लेकिन कोई सही ढंग से उत्तर नहीं मिल पाया। उत्तर नहीं मिला तो हम लोग फिर राहुल जी के पास गए। राहुल जी ने हमारी बातों को बहुत गौर से सुना और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गंभीर मसला है भाई, रोजी रोटी का मसला है, और इसके उसको भी थोड़ा आइडिया है कि पूरा देश जूझ रहा है, तो आप इत्मीनान रखिए, इसके बारे में हम लोग कोई अच्छा ही कदम उठाएंगे, कुछ ना कुछ हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और किससे बात हुई आपकी, विपक्ष के नेता जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं उनसे बात हुई? गुलाम नबी आजाद साहब ने इसमें बहुत दिलचस्पी ली, डेढ़ घंटे का हमें समय दिया, उन्होंने एक एक चीज पे मालूमात ली, और उन्होंने कहा कि हबीब भाई जिस दिन ये आप कांटेक्ट में रहो और मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुलाऊंगा, दो दो तीन तीन आदमी हर जाति हर धर्म के, क्योंकि देखो ये व्यापार का मसला है, ये कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इसमें हर पार्टी के लोग थे भाई। आज जो हमारा धर्म सबसे बड़ा है वो व्यापार, वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, कोई भी जाति धर्म हो, ऐसे तो हर लोग जुड़े हैं। बहरहाल इसको कोई सियासी रंग ना देते हुए हम लोगों ने कोई वो किसी पार्टी के हिसाब से, किसी लीडर के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, ये सब हम लोगों ने नहीं सोचा। हमने कहा कि भाई हम व्यापारी लोग हैं, हम कारोबारी लोग हैं, बुनकर समाज से हमारा ताल्लुक है, और हम लोग भाई हमारे जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, आप अपोजिशन लीडर हो इसलिए हम आए हैं ताकि आप राज्यसभा में हमारे मुद्दे को उठाएं। उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने कहा कि मैं सर्वदलीय बैठक बुलाऊंगा इस विषय को लेकर, और ये बहुत गंभीर विषय है, ये मैं समझूंगा, और आप महाराष्ट्र से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को आप बुलाइए, भले से दो दो तीन तीन लोग,
हिंदू मुस्लिम गुजराती मारवाड़ी जो भी इनसे जुड़े लोग पूरे देश कोई भी पार्टी को, हाँ पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ये पार्टी से हट के बहुत बड़ा मसला है, ये व्यापार का मसला है। तो आप इनको ले, इनको जमा कीजिए, मैं तुरंत टाइम दूंगा, आप फोन करोगे मैं तुरंत आपको टाइम दूंगा, और मैं सर्वदलीय बैठक बुलाऊंगा, उसमें हर पार्टी के लीडरान को बुलाऊंगा, जितने चीफ मिनिस्टर हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं उनसे चर्चा करने के बाद ये मामला जीएसटी काउंसिल में उठाऊंगा, लोकसभा में उठवाऊंगा, राज्यसभा में उठवाऊंगा, ये लड़ाई मैं आपकी आखिरी दम तक लड़ूंगा, आप उस पर इत्मीनान रखिए। प्रमोद तिवारी से बात हुई, उन्होंने क्या कहा? प्रमोद तिवारी जी भी भाई बड़े लीडर हैं और खासतौर से हमारे यूपी से ताल्लुक रखते हैं और हम लोग भी यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको ये मालूम है कि भिवंडी में उत्तर भारतीय काफिल है 70-80%। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखाई कि भाई मैं भी ये अपने राज्यसभा में लोगों से चर्चा करूंगा, हमारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं मैं उनसे इसके ताल्लुक से डिस्कस करूंगा, और ये आवाज़ आपकी दबेगी नहीं, इंशाल्लाह हम इसको भरपूर ताकत से उठाएंगे। मैंने उनसे कहा जैसे 3 तारीख को इनकी मीटिंग है, 5 तारीख को जीएसटी काउंसिल में कुछ लोग समझने वाले हैं या कोई करने वाले हैं, कुछ संशोधन करना है, ऐसा रिपोर्ट मिली है, तो बोलिए 5 तारीख 3 तारीख छोड़ो, ये हम इसके लिए लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। हाँ कोई इसका ये मतलब नहीं कि ये तारीख को एंड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम ये पूरी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने तो काफी हमको भाई इत्मीनान दिया। अच्छा एक खबर ऐसी आ रही गुजरात से भी एक टीम गई थी, जो सत्ता पक्ष से बात हुई है उनकी, वहाँ का क्या इनपुट है? गुजरात से गए थे क्योंकि मेरा भी गुजरात में ताल्लुक है, मेरा एक दोस्त ललित शर्मा करके है जो मेरी मार्केट में बैठता है, वो भी गए थे, तो उनसे मुझको रिपोर्ट मिली थी कि भाई हम लोग मुलाकात किए थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, कोई ठोस सबूत तो मिला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमने 18 पॉइंट रखे थे, जैसे सूरत में क्या है कपड़ा फिनिश होने के बाद साड़ियों पे बूटा होता है, प्रिंट होता है, सारे जीएसटी, हाँ तो वो सबको उन लोगों ने अपने हिसाब से रखा है, समझे क्या? तो वो सब उसमें हमने सुना है कि शायद वो 16 चीज़ों पे 12 चीज़ों पे कुछ संशोधन करने वाले हैं, लेकिन अब वो कैसे करेंगे क्या करेंगे ये किसी को मालूम है नहीं, लेकिन हमारे जो मसले मसाइल थे हमने उनको अच्छी तरीके से समझाया है कि भाई हमारा जो पहले 12.5% था आप वही कर दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, और जो हमारे जॉब वर्कर पे है वो बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, 12 लोग 20 लोग 24 लोग चलाते हैं, वो कहाँ से ऑफिस खोलेंगे, कहाँ से कंप्यूटर लाएंगे, कहाँ से सीए रखेंगे, तो ये सब मसले मसाइल थे, वो हमने उनको अच्छे से समझाया है। तो ये लाभ उद्योग होने के नाते जो है वरीयता देनी जरूरी है ऐसा लगता है आपको? लाभ उद्योग है अरे भाई, आज हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर भाई जो खेती बाड़ी है, लेकिन आज ये जो अपना कपड़ा उद्योग है ये रोजगार देता है, ये रोजगार देता है, यानी खेती बाड़ी रोजगार नहीं देता अनाज देता है। लेकिन ये तो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, तो ये तो बहुत ही नाजुक मसला है कि भाई लोग अपने रोजगार से खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है जिन नेताओं से चर्चा हुई उनके चेहरे के तो आप पढ़े होंगे, उनकी बातों से क्या लग रहा है कि आवाज उठेगी इस पर? भाई देखो हमको पूरा इत्मीनान है कि ये लोग जिन लोगों ने हमसे वादा किया है या बात की है इंशाल्लाह ये लोग ये लड़ाई पूरी लड़ेंगे, हाँ हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि ऐसा है कि उनको अगर दिलचस्पी नहीं होती वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को क्यों बुलाते, सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाते, तो इसके बारे में वो एक एक बारीक बीने से आज़ाद साहब समझ रहे हैं, और जिस दिन वो पूरी चीज़ को समझ लेंगे इंशाल्लाह उस दिन आप राज्यसभा में आवाज़ उठेगी, उनकी आवाज़ सुनो। क्या अपील करना चाहेंगे व्यापारी को? भाई अब मेरी तो भाई हिंदू मुस्लिम सभी व्यापारी भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग जो जो स्टेट में हो अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करके मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है 888-0505-05 एक बार रिपीट हो गई, मेरा मोबाइल नंबर है
8888050505, और ये हमको तुरंत ये अगले ये पहले हफ्ते में करना है, बहुत जल्द, ताकि ये कांटेक्ट में आ जाएंगे मुझसे तो मैं आज़ाद साहब को बता दूंगा, और फिर उसके बाद हमको तुरंत पहुंचना है तो बोले कि मैं सर्वदलीय बैठक बुला लूंगा और सबके सामने आप लोग को बिठाऊंगा। एक सवाल और छोटा सा करूंगा कि जीएसटी को, जीएसटी का विरोध क्यों? क्योंकि एक एक देश एक कर अगर लग जाता है तो एक तो सुंदर वातावरण बन जाएगा। ऐसा है, देखो जीएसटी से सब लोग परेशान हैं, छोटा हो कि बड़ा हो, परेशान सब है, क्योंकि ये इतना पेचीदा मसला हो गया है कि हर कोई कर नहीं पाएगा। अब ये महीने भर में 3 रिटर्न, भाई हम लोग चाहते हैं कि भाई ये क्वार्टरली कर लें, क्वार्टरली कर लें। अभी कॉटन पे 5% है, सिंथेटिक्स पे 18% है, जबकि कॉटन जो है अमीरों की क्वालिटी है, अमीर लोग पहनते हैं, और सिंथेटिक्स तो गरीबों की क्वालिटी है भाई। ये तो 30-32 रुपये मीटर मिल जाता है, आदमी 400-500 रुपये में पूरा सूट सिला लेगा और 5-10 साल पहनेगा, रिटायर करेगा, फटेगा नहीं, फटेगा। और कॉटन तो क्या है, बड़े लोग हैं, 10 बार लॉटरी करना फट जाएगा, घर में धोएंगे तो चलो भाई 15 दिन चल जाएगा। तो इस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि भाई कॉटन जो है वो गरीबों का नहीं है, वो अमीरों का कपड़ा है, सिंथेटिक्स जो है वो गरीबों का है, सोचना चाहिए। तो चलिए, ये हबीब भाई जिन्होंने हमें जानकारी दी कि जीएसटी हमारे ऊपर जो लगाया जा रहा है या जो यान पर लगाया जा रहा है, जो कपड़े व्यापार पर लगाया जा रहा है, उस पर सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है। खैर, जो डेलीगेशन जाकर के मिला वहाँ पर लोगों ने आश्वासन दिया, इन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि हमारी आवाज़ दिल्ली के काउंसिल में, खास करके जीएसटी काउंसिल में, लोकसभा में, राज्यसभा में आवाज़ गूंजेगी और हमारे ऊपर सरकार सोचने पर मजबूर होगी और जीएसटी में कुछ न कुछ यान पर या कपड़े व्यापार में ढीलापन आएगा। जो खबर आ रही है कि जो सूरत से लोग गए थे वहाँ पर कुछ आश्वासन मिला हुआ है, जो भी होगी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन के पांडे के साथ सुरेंद्र तिवारी, भिवंडी।